बिहार के गया में महिला सिपाही की आत्महत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। बीते 11 नवंबर को पुलिस लाइन केंद्र के बैरक से एक महिला सिपाही का फंदे से लटकता शव मिला था। इसका कनेक्शन महिला सिपाही विभा कुमारी के जीजा टिंकू कुमार से जुड़ गया है। महिला सिपाही के इस मामले में गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है। गया के एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि आत्महत्या के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम के अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि महिला सिपाही विभा कुमारी अपने जीजा टिंकू कुमार से बातचीत करती थी। इस बीच विभा कुमारी की शादी नालंदा के रहने वाले ब्रिजमोहन कुमार से तय हो गई। शादी तय होने के बाद उसकी साली यानी कि महिला सिपाही से बातचीत कम होने लगी। इस आत्महत्या के पीछे का कारण यहीं से शुरू हुआ। तो क्या कुछ पूरे मामले को लेकर के एसएसपी ने पूरी जानकारी दी, आप खुद सुन लीजिए। दिनांक 11 नवंबर 2024 को पुलिस केंद्र में एक महिला सिपाही के द्वारा वहां के महिला बैरक में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई थी। यह एक काफ़ी ही गंभीर मामला था। इस मामले में तुरंत मैं भी और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर वहां पर अनुसंधान प्रारंभ किए थे और साथ में ऑफिसियल टीम को भी बुलाया गया था। इस मामले में जो हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो उसमें यह पता चला कि मृतिका को सुबह में कुछ फ़ोन आया था जिसमें उसके होने वाले पति के द्वारा कुछ बातें बताई गई थी, जिससे वह परेशान होकर के उसके द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की गई है। इसके बाद अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतिका के अपने जीजा के द्वारा फ़ोन करके किसी अन्य व्यक्ति जो उनका मित्र है उसके फ़ोन से फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से यह बात मृतिका के पति को बताई गई कि वह उसके द्वारा एक सब इंस्पेक्टर का नाम लिया गया और बताया गया कि मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं और खेसराय थाना से बोल रहा हूं, और जो उसको उसके बारे में बताया गया कि उनका पहले से पुराना कुछ मामला था और उसी बात को लेकर के मृतिका के होने वाले पति ने फिर मृतिका से बात की और उसके बाद इस प्रकार की घटना घटित हुई। तो इस मामले में जिस व्यक्ति के फ़ोन से जो मृतिका के जीजा के द्वारा फ़ोन किया गया था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उस बात में दोनों व्यक्तियों के द्वारा बात की गई थी और उस फ़ोन को भी सीज किया गया है और साथ में मृतिका के पति को भी होने वाले पति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के अनुसंधान में 3 व्यक्तियों की इस मामले में संलिप्तता प्राप्त हुई है और इस मामले में 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दर्श न्यूज के लिए गया से मनीष कुमार की रिपोर्ट।